फोर्थ, आज हम EVS में थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, प्ले टाइम इज फन टाइम। ठीक है, कि जब हम खेलते हैं तब हम कितने मजे करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आई एम अ चाइल्ड, आई एम नॉट मीन टू सिट स्टिल, कि मैं बच्चा हूँ और मुझे हाथ पे हाथ रख के बैठना या खाली बैठना मुझे पसंद नहीं है, या मैं बैठ नहीं सकता हूँ। कीप माय हैंड्स टू माय सेल्फ, मतलब हाथ पे हाथ रखकर मैं खाली बैठ नहीं सकता हूँ। टेक टर्न्स, स्टैंड इन अ क्यू एंड बी पेशेंस, कि अगर आप बोलो कि इधर घूम जाओ, उधर घूम जाओ, इधर खड़े हो जाओ, ठीक है, लाइन में खड़े रहो, पेशेंस रखो, तो ये सब मुझसे नहीं हो सकता है। आई नीड मोशन, मुझे किसकी आवश्यकता है, मोशन की, अर्थात मुझे घूमना फिरना पसंद है। नॉवेल्टी मतलब कोई क्रिएटिविटी करना, ठीक है, एंड एडवेंचर, ये मुझे क्या है, पसंद है। आई नीड टू प्ले, मुझे किसकी आवश्यकता है, खेल की आवश्यकता है, अर्थात मुझे क्या करना है, खेलना है। एंड ट्रस्ट मी, और आप मुझ पे विश्वास करो, आई एम लर्निंग, और मैं क्या कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। प्लेइंग टीचेस अस हाउ टू फेस द वर्ल्ड, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, हाउ टू कम्युनिकेट एंड एंजॉय थिंग्स। इसका मतलब क्या है, कि जो खेल है वो हमें ये सिखाता है कि हम इस दुनिया में अपनी समस्या से कैसे लड़ सकते हैं, हम फेस कर सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं। तो किसी भी समस्या का सामना जो है वो किसके माध्यम से कर सकते हैं, हम खेल के माध्यम से कर सकते हैं, या खेल हमें दुनिया में होने वाली जो समस्या है उसका समाधान करना सिखाता है। हाउ टू कम्युनिकेट एंड एंजॉय थिंग्स, और खेल हमें साथ में ये भी समझाता है कि हमें किस तरह से एक दूसरे से बात करनी चाहिए, किस तरह से हमें एंजॉय करना चाहिए, ये सब हम खेल के माध्यम से सीखते हैं। रिक्रिएशन इज डूइंग समथिंग टू रिलैक्स एंड हैव फन, रिक्रिएशन इट मीन्स मनोरंजन, और मनोरंजन क्या है, हमें क्या देता है, रिलैक्स एंड हैव फन, तो मनोरंजन से हमें क्या मिलता है, आराम, और हमें क्या मिलता है, फन, हमें मज़ा आता है उससे। देर आर सेवरल मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, और से जो रिक्रिएशन है उसके बहुत सारे मतलब होते हैं, बट द मोस्ट रिलैक्सिंग ऑफ देम इज़ प्लेइंग गेम्स, परंतु सबसे इम्पोर्टेंट जो थिंग है रिक्रिएशन का मतलब जो है वो है क्या, प्लेइंग गेम्स, अर्थात खेलना, कि जो हम अलग अलग तरह के जो गेम्स खेलते हैं उसी से, उसी का मतलब क्या होता है, रिक्रिएशन, क्योंकि रिक्रिएशन से हमें क्या मिलता है, फन मिलता है, मज़े करते हैं, हमें रिलैक्स मिलता है, हमारा जो माइंड है वो क्या होता है, स्वस्थ रहता है। नेक्स्ट देखिए, विच इज़ योर फेवरेट गेम, आपका फेवरेट गेम कौन सा है, जैसे मान लो यहाँ पे मेरा फेवरेट गेम है यहाँ पर टेबल टेनिस, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे टेबल टेनिस लिख दिया। इट इज़ एन आउटडोर गेम और एन इंडोर गेम, कि अब जो आपने टेबल टेनिस लिखा वो आउटडोर गेम है कि इंडोर गेम है, तो टेबल टेनिस क्या है, इंडोर गेम। इट इज़ टीम गेम और अ सोलो गेम, ठीक है, अब जो टेबल टेनिस है वो टीम गेम नहीं है, तो ये क्या है, सोलो गेम है, तो यहाँ पे सोलो गेम लिखेंगे, ठीक है। यदि आप इधर फुटबॉल लिखते तो फुटबॉल, और ये क्या होता, आउटडोर गेम, और फिर ये क्या होता, टीम गेम, ओके। नेक्स्ट, गेम्स एट होम,
देर आर मैनी गेम्स दैट वी प्ले, कि बहुत सारे खेल हैं जो हम खेलते हैं. सम ऑफ देम आर इंडोर गेम्स लाइक लूडो, चेस, कैरम, वीडियो गेम्स एंड प्ले स्टेशंस, कि बहुत सारे इंडोर गेम्स हैं जैसे कि लूडो है, चेस है, कैरम है, वीडियो गेम्स है और प्ले स्टेशन. ठीक है, तो इंडोर गेम्स का मतलब क्या होता है कि जो खेल हम घर के अंदर खेलते हैं. ठीक है, इंडोर मतलब घर के अंदर, जैसे लूडो, चेस, कैरम, वीडियो गेम्स और प्ले स्टेशन. सम गेम्स आर आउटडोर गेम्स, और कुछ गेम कौन से होते हैं आउटडोर, मतलब जिसे हम बाहर खेलते हैं और उन्हें एक मैदान में खेला जाता है, जैसे क्रिकेट, हाइड एंड सीक, सीक एंड पिट्ठू. ठीक है, तो इंडोर गेम्स का मतलब क्या हो गया घर के अंदर, और आउटडोर्स का मतलब क्या हो गया बाहर खेले जाने वाले खेल. बोथ टाइप ऑफ गेम्स आर इंटरेस्टिंग एंड वेरी पॉपुलर अमंग द चिल्ड्रन. इसका मतलब कि इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स दोनों के दोनों क्या हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है और बच्चों में ये दोनों के दोनों खेल क्या हैं, प्रसिद्ध हैं, जो कि सभी बच्चे क्या करते हैं, खेलते हैं. देर आर डिफरेंट गेम्स फॉर चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स, मतलब कि विभिन्न प्रकार के बच्चों के खेल होते हैं और ये क्या होते हैं, एज ग्रुप के अनुसार होते हैं. ठीक है, अर्थात छोटे बच्चों के लिए अलग खेल और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए अलग खेल होते हैं. तो एज ग्रुप के अनुसार क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के खेल होते हैं. तो आयु वर्ग के अनुसार, तो आयु वर्ग के अनुसार जो खेल होते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं. गेम्स एट स्कूल, कि जो खेल हम स्कूल में खेलते हैं. गेम्स प्लेड एट स्कूल आर रिलेटेड टू लर्निंग, इसका मतलब कि जो खेल हम स्कूल में खेलते हैं वो किससे संबंधित होते हैं, सीखने से संबंधित होते हैं, अर्थात कि हम उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं. सम ऑफ गेम्स आर प्लेड इनसाइड द क्लासरूम, कि कुछ खेल जो होते हैं वो हम स्कूल के अंदर अपनी जो क्लासरूम होती है, ठीक है, जिसमें आप क्लास लेते हो उसके अंदर आप खेलते हो, जैसे क्रॉसवर्ड, जिक्सो, पजल एंड डम्प शेरार्ट्स. ठीक है, डम्प शेरार्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई मूवी का नाम है और उस मूवी के नाम को आपको इशारे से सामने वाले व्यक्ति को समझाना है, ठीक है, और सामने वाला व्यक्ति उस मूवी का नाम बताएगा. ठीक है, तो इशारा, इशारे से, बोलना नहीं है. दे ऑल आर ब्रेनी गेम्स, और ये सब जो खेल है वो किसका खेल है, दिमाग का खेल है. दे जनरली आर प्लेड इन ग्रुप्स इन द गेम्स पीरियड, और ये जो खेल है वो किस में खेले जाते हैं, ग्रुप में खेले जाते हैं, और कब खेले जाते हैं, गेम्स पीरियड में, कि जब आपका गेम्स पीरियड होता है तब ये खेल ग्रुप्स में खेले जाते हैं. सम गेम्स आर प्लेड इन द स्कूल प्लेग्राउंड, और कुछ गेम्स स्कूल का जो प्लेग्राउंड है, खेल का जो मैदान है, उसमें खेले जाते हैं, जैसे लाइक हाइड एंड सीक, क्रिकेट एंड हॉकी. ठीक है, जैसे छुपन छुपाई, क्रिकेट और हॉकी, ये हम स्कूल के मैदान में खेलते हैं. दे कैन बी प्लेड इन द पार्क नियर आवर हाउसेस, और छुपन छुपाई, क्रिकेट, हॉकी
ये जो खेल हैं हम अपने घर के पास में जो पार्क है वहाँ पे भी खेल सकते हैं, बट नॉट ऑन रोड्स और इनसाइड आवर हाउसेस। परंतु कभी भी ऐसे खेल हमें सड़क पर नहीं खेलना चाहिए, ना ही हमें घर के अंदर खेलना चाहिए। ठीक है, तो क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, ये जितने भी गेम्स हैं ये हमें रोड पर भी नहीं खेलना चाहिए और घर के अंदर भी नहीं खेलना चाहिए। क्यों नहीं खेलना चाहिए? क्यों? क्योंकि दे कैन कॉज इंजरी और डिस्टर्ब अदर्स। इससे आपको चोट भी लग सकती है और साथ ही साथ इससे दूसरों को डिस्टर्ब भी होता है। ठीक है, तो आज हम यही पढ़ेंगे और फिर इसके बाद हम कल नेक्स्ट जो चैप्टर है, सॉरी नेक्स्ट पैराग्राफ है कोच, इसके बारे में पढ़ेंगे। परंतु उससे पहले आप लोगों का ये होमवर्क है, टेक अ ब्रेक, राइट द नेम्स ऑफ गेम्स टू द फॉलोइंग पिक्चर्स आर रिलेटेड टू। ठीक है, कि ये जो पिक्चर्स दे रखी है ये कौन से गेम से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे ये देखिए स्टिक है, ये पिक्चर किसकी है, कौन से गेम से रिलेटेड है, हॉकी। ठीक है, ये देखिए बैडमिंटन। ठीक है, इसी तरह से ये और ये आपको खुद को करना है। ठीक है, मैंने बता दिया ये किससे, हॉकी से, और ये आपका बैडमिंटन। ठीक है, और फिर इसके बाद कल हम नेक्स्ट पैरा पढ़ेंगे कोच। तब तक जितना मैंने पढ़ाया उसकी आप रीडिंग करें। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।